हाँ बेटा इधर देखो, हम क्या कर रहे थे, कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, है ना। चलो अब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज ये हम पढ़ेंगे इसके बाद वाली यूनिट में, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन क्वेश्चंस उसके कंडेंसर में भी होते हैं। वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो रेजिस्टेंस के लिए रहेंगे भाई। जैसे यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस मतलब वायर, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो भी। व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, वहाँ पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके क्वेश्चंस कैपेसिटर्स में भी हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज ये ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये शॉर्ट में WHB लिख देते हैं, बस हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट डायग्राम है, व्हीटस्टोन ब्रिज को चार टाइप से हम शो कर सकते हैं। ये सर्किट डायग्राम भी व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहां मैं भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन हम किसका पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर्स का। व्हीटस्टोन ब्रिज किसका, कैपेसिटर्स का, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहां आप देखो एक्चुअल में ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें चार कंडेंसर होते हैं, C1, C2, C3, C4। किस फॉर्म में है, क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में है, ठीक। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ABCD। यहां C का मतलब पॉइंट C है, कैपेसिटेंस नहीं, ये सी का मतलब क्या है, पॉइंट, ठीक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में चार कंडेंसर क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक। देयर आर फोर कैपेसिटर्स इन फॉर्म ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, चार कंडेंसर एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में। अब क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब इसमें डायगोनल कितने होंगे, दो। तो एक डायगोनल ये हो गया CD और दूसरा डायगोनल AB है। तो एक कैपेसिटर हमने कहाँ लगाए हैं, डायगोनल में, C5। एक कंडेंसर यहाँ पर है, C5, ठीक। चलो अगर क्वेश्चन में आया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो ये जो पांचवा कंडेंसर रहेगा ना, वो दूसरे डायगोनल में होना चाहिए, सी और डी के बीच में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B हमको फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि हमको बैटरी कहाँ कनेक्ट करना है, A और B के बीच में। बैटरी कहाँ कनेक्ट करना है हमको, A और B के बीच में। तो सर्किट डायग्राम में ये बैटरी वगैरह हम शो नहीं करते, ठीक है भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो ये क्लियर है, बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, मतलब इसको जोड़े हमने बैटरी के प्लस से और इसको हमने जोड़े बैटरी के माइनस से। तो जहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन A एंड B, तो बैटरी हमको वहां कनेक्ट करना है। तो एक डायगोनल में हमने क्या लगा दिए, बैटरी, तो ये पांचवा कैपेसिटर दूसरे डायगोनल में होना चाहिए। अगर ये कंडेंसर भी आप यहां लगा दोगे A और B के बीच में, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब फोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। फिफ्थ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायगोनल CD एंड वी आर टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B।
भाई क्वाड्रिलेटरल है ना, दो डायगोनल होंगे। तो जहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच में ना, तो वहां तो हम क्या जोड़ेंगे, बैटरी। तो पांचवा कैपेसिटर कहां रहेगा, दूसरे डायगोनल सी और डी के बीच में, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर ये पांचवा कैपेसिटर आपने यहीं लगा दिए ए और बी के बीच में, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। ठीक है, ठीक। देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एक स्टैंडर्ड डायग्राम है वो तो ये है, ठीक। लेकिन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर और ये सी फाइव, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहाँ फाइंड करना है, ए और बी के बीच में। तो एक डायगोनल कौन सा हुआ, ए बी, इसका मतलब ये दूसरा डायगोनल कौन सा है, सी डी। ठीक है, ये डायग्राम भी व्हीटस्टोन ब्रिज का है, देखो ध्यान से। ठीक है, मार्किंग करें अगर हम यहां पर, तो ये है सी वन, ठीक, ये सी टू सी थ्री सी फोर, ठीक है, ये हो जाएगा सी फाइव। देखो जरा, यहां देखो आप, यहां से इस पॉइंट ए को खींच के इधर ला लो, इस पॉइंट ए को अगर हमने खींच के इधर लाए तो ये दोनों कंडेंसर तो इधर आ जाएंगे ना, ठीक। तो ये डायग्राम भी तो वही हो गया, ठीक है। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, किसी भी फॉर्म में डायग्राम आ सकता है। यहां देखना जरा, अगर मान लो तीन कंडेंसर ऐसे दिए हैं, तो अभी तो हमको दिख रहा है कि ये तीनों किसमें हैं, सीरीज में है। लेकिन ऐसे अगर हो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, अगर मान लो यहां कंडेंसर नहीं होता, केवल कनेक्टिंग वायर होता बस, यहां पर कैपेसिटर अगर नहीं होता, केवल कनेक्टिंग वायर, तो फिर ये तीनों कंडेंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक। अभी ये डायग्राम भी है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का है ना। तो ये है एक्चुअल में आपका C1, C2, C3, C4 और ये हो जाएगा C5, ठीक। C1, C2, C4 आप कहीं भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से अब मेरी बात सुनो आप, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डायग्राम अगर दिखा अपने को, कई बार बड़े सर्किट डायग्राम में एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम अगर दिखा, ठीक, तो 99% बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस ठीक है भाई वहां तक, लेकिन इसमें भी दो चीजें हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम पढ़ेंगे एक्चुअल में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, क्योंकि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अभी हम नहीं फाइंड कर सकते। वह एक्चुअल में किससे फाइंड होता है, किरचॉफ्स लॉज से, किससे, किरचॉफ्स लॉज से। और किरचॉफ्स लॉज अभी हमने नहीं पढ़े, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, है ना। इसलिए बात हम करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर क्वेश्चन आया, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ये चारों डायग्राम हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक। इनमें से कोई एक हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलो ये मान लीजिए ये स्टैंडर्ड है,
ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। ठीक, व्हीट स्टोन ब्रिज का अगर क्वेश्चन आपको दिखा तो सबसे पहले आपको तो ये चेक करना है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, मतलब ये रेशो अगर इस रेशो के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ब्रिज बैलेंस्ड है, और ये रेशो अगर इक्वल नहीं है तो ब्रिज अनबैलेंस्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है ये हम कैसे चेक करेंगे? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस मान लो है 10 माइक्रोफेरेड, ये है मान लो 5 माइक्रोफेरेड, C3 4 माइक्रोफेरेड और ये है मान लो 2 माइक्रोफेरेड, ऐसा क्वेश्चन में दिया है मान लो आप, तो सबसे पहले आप व्हीट स्टोन ब्रिज को चेक करना कि बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है तो बड़ा आसान है, और अनबैलेंस्ड है तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, फिर तो ये किरचॉफ्स लॉज में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। चलो देखते हैं, C1 अपॉन C2 मतलब 10 अपॉन 5, C3 अपॉन C4 4 अपॉन 2, तो देखो क्या आया, रेशो इक्वल आ रहा है ना, ये रेशो इस रेशो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। और ब्रिज अगर बैलेंस्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन पोटेंशियल, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर इक्वल। ये बैटरी तो हमने यहां जोड़े हैं ना ए और बी के बीच में, भाई मान लो ए और बी के बीच में जैसे मान लो हमने बैटरी लगा दी है सपोज 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की, ठीक है ना। ए और बी के बीच में हमने बैटरी जोड़ दी मान लो 10 वोल्ट की, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट ए और बी के बीच में। लेकिन सी और डी के बीच में कितना? टिपिकल क्वेश्चंस में पूछता है, ठीक ना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ब्रिज बैलेंस है, कैसे पता चला? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, ये चेक कर लेना। तो अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये रेशो इक्वल, और ब्रिज अगर बैलेंस है तो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट डी, VC इज इक्वल टू VD होगा, ठीक। और अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा, ठीक। या अगर किसी न्यूमेरिकल में व्हीट स्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है, ध्यान सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम में व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है और क्वेश्चन में अगर लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD जीरो, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD जीरो, तो आप समझ जाना कि ब्रिज बैलेंस है, तो भी क्लियर है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अगर ब्रिज बैलेंस है तो सबसे पहले तो ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, ठीक, मतलब रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ टू एडजेसेंट साइट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ
remaining adjacent sides, then bridge is balanced. ब्रिज अगर बैलेंस है तो ये कंडीशन अप्लाई हो, और अगर ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायगोनल CD जीरो. अब सुनो, अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब वोल्टेज जीरो है, तो यहां तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा. इस डायगोनल में मतलब इस कंडेंसर में चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा इसका मतलब कि ये वाला कंडेंसर चार्ज नहीं होगा, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा. और अगर सर्किट डायग्राम में कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है तो उस कैपेसिटर को आप सर्किट से रिमूव कर दो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस कंडेंसर को यहां से निकाल दो आप और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लो बिटवीन ए एंड बी. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी है ना, तो इतनी चीजें ध्यान रखना. पहले चेक कर लिए बैलेंस है कि नहीं है. बैलेंस है तो इसका मतलब है कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है इसका मतलब इस पार्ट में चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये वाला कंडेंसर चार्ज नहीं होगा. और ये कंडेंसर अगर चार्ज नहीं हो रहा है इसको सर्किट से आप बाहर कर दो. अब हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. सिंपल है देखो, अब तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम यहां बना दे रहा हूं मैं. देखो पॉइंट ए पॉइंट बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना था. इसका मतलब बैटरी हम कहां जोड़ रहे हैं, ए और बी के बीच में. देखो अब पहले आप इन दोनों कंडेंसर्स को देखो, किसमें कनेक्ट है ये, सीरीज में. किसमें कनेक्ट है, सीरीज में. इनको जरा देखो, तो ये दोनों कंडेंसर भी किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में. ये भी किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में. ठीक, अगर दो कंडेंसर सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम किससे फाइंड करते हैं, वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, डायरेक्ट उससे निकाल लें. ठीक है ना. चलो तो देखो, ये दोनों कंडेंसर किसमें है, सीरीज में. तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो हम यहां पर एक कैपेसिटर शो करेंगे बस, उसका कैपेसिटेंस कितना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. वैसे ही ये दोनों भी किसमें, सीरीज में. भाई इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से, इसकी सेकेंड प्लेट बी पर, इसकी एक प्लेट ए पर, तो ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में. तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4. तो एक कैपेसिटर हमने यहां बनाए. अब आप देखो, ए और बी के बीच में दो कंडेंसर है, इसका कैपेसिटेंस इतना, इसका कैपेसिटेंस इतना. ए और बी के बीच में दो कंडेंसर है ना, और ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. कैसे भाई, इसकी फर्स्ट प्लेट ए पर, सेकंड प्लेट बी पर, फर्स्ट प्लेट ए पर, सेकंड प्लेट बी पर. ठीक है, तो ये किसमें है, पैरेलल में. और अगर ये पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी आंसर क्या होगा, सम के इक्वल. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू होता है ना, सम के इक्वल. तो क्या होगा देखो, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सी फोर अपॉन सी थ्री प्लस सी फोर. ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन में
C1, C2, C3, C4 जितने भी माइक्रोफेरड गिवन रहेगा आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, देख लो। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पहली बात, और बैलेंस्ड है इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीडी कितना, जीरो। या अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीडी जीरो, तो भी आप समझ जाना कि ब्रिज बैलेंस्ड है। और ब्रिज बैलेंस्ड है इसका मतलब C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, सबसे पहले वो चेक कर लिए। और यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, जब यहां चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इस कंडेंसर को सर्किट से निकाल के आप बाहर कर दो। अब ये दोनों सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट ये आ गया, ये दोनों सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट ये आ गया। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकल जाएगा, ठीक है, देख लो आप, सिंपल है। ठीक है, चलो यहां देखो, बस व्हीट स्टोन ब्रिज के वो चारों डायग्राम ध्यान रखना। व्हीट स्टोन ब्रिज के भाई स्टैंडर्ड तो यही होता है जो तुरंत देख के समझ में आ जाता है कि भाई व्हीट स्टोन ब्रिज है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज को हम चार टाइप से बना सकते हैं। इसके पहले चारों बताया ना, देखो चलो ये दिया है सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब बैटरी हमको कहाँ कनेक्ट करना है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज तो दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या हमारा, हम चेक करें बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है कि नहीं, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है बैलेंस, C अपॉन C बैलेंस तो है। और बैलेंस है इसका मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इसका मतलब ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करें, इसको हटा दो। चलो अब देखते हैं, देखो सिंपल है, ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, C/2। इक्विवेलेंट क्या होगा, C/2 होगा ना। दो कंडेंसर अगर सेम है सीरीज में तो इक्विवेलेंट C/2, तीन कंडेंसर होते सीरीज में सेम, इक्विवेलेंट C/3। या फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, ये दोनों भी किसमें हैं, सीरीज में सेम, ये दोनों कंडेंसर भी किसमें हैं, सीरीज में है और सेम है, तो इनका इक्विवेलेंट भी क्या होगा, C/2। तो एक कंडेंसर हमने ये बना लिए, दो की जगह एक बनाए, इक्विवेलेंट कितना, C/2। अब देखो ए और बी के बीच में ये दो कंडेंसर हैं, दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी क्या, सम के इक्वल ना, C/2 प्लस C/2 मतलब कितना, सी। ठीक, याद क्या रखना है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं दिखा और साइड वाले जितने भी कंडेंसर हैं, साइड वाले डायगोनल वाला उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर साइड वाले, ठीक, तो अगर इन साइड वाले कंडेंसर्स का कैपेसिटेंस अगर सेम है, कैसा है, सेम, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, सी के इक्वल। सॉल्व थोड़ी करना है, फिर डायरेक्ट याद रखो,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, एक कैपेसिटेंस के बराबर। ठीक, चलो अब मैं एक चीज ये बता रहा था आपको, क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। देखो यहां जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बस ऐसे ही क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, कंडेंसर की जगह क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, कंडेंसर की जगह क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो चीजें हम यहां पढ़ रहे हैं ये सब हमको काम आएंगी कहां, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, चलो इधर सुनो, मान लो ये क्वेश्चन है, तो अभी तो हमको दिख रहा है भाई ए और बी के बीच में तीन कंडेंसर हैं, तीनों किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता, सी बाई थ्री, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता, सी बाई थ्री। ठीक, ध्यान से सुनो, अब अगर ऐसे दिया हो, ये केबल कनेक्टिंग वायर है, क्या है ये, कनेक्टिंग वायर है, यहां पर कंडेंसर नहीं लगा हुआ है, अगर यहां भी हम कंडेंसर लगा देते तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, क्या हो जाता, व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन कंडेंसर नहीं है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब आप देखो ये तीनों कंडेंसर पैरेलल में है, अब ये तीनों कंडेंसर किस में है, पैरेलल में है, कैसे, ध्यान दो, देखो इस पॉइंट को हमने पी मान लिए और इस पॉइंट को हमने क्यू मान लिए, मान लो चलो, ठीक है, और क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब बैटरी आपको कहां कनेक्ट करना है, ए और बी के बीच में। ठीक, वी आर टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, चलो देखते हैं भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात, आप देखो ये जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस से, बैटरी के प्लस से, तो इस बीच में देखो कोई कंडेंसर नहीं है, इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब यहां जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, इस बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबका पोटेंशियल सेम होगा, मतलब ए का पोटेंशियल और पी का पोटेंशियल सेम होगा। पॉइंट ए लिखो चाहे पॉइंट पी लिखो, बात ए लिखे या पी लिखे, बात एक ही है, पॉइंट ए और पॉइंट पी का पोटेंशियल सेम होगा। तो चाहे आप उसको ए लिख लो या पी लिख लो, वैसे देखो इस बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा और कितना होगा, B के इक्वल होगा। तो चाहे आप पॉइंट B बोलो और या इसको हम क्या बोलें, पॉइंट Q बोलें, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला कंडेंसर कहां कनेक्ट है। आप देखो फर्स्ट प्लेट कहां पर है, A पर, और सेकंड प्लेट कहां पर है, Q पर। पहला कंडेंसर कैपेसिटेंस कितना, सी। फर्स्ट प्लेट कहां पर है, ए पर, और सेकेंड प्लेट कहां पर है, क्यू पर, क्यू। चलो दूसरा कंडेंसर देखते हैं, कैपेसिटेंस कितना, सी। फर्स्ट प्लेट कहां पर है, क्यू पर, और सेकेंड प्लेट कहां पर है, पी पर। फर्स्ट प्लेट कहां पर है, क्यू, सेकेंड प्लेट कहां पर है,
पी पर। थर्ड कंडेंसर को आप देखो, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, सी। फर्स्ट प्लेट कहां है, पी पर। सेकंड प्लेट कहां है, बी पर। फर्स्ट प्लेट कहां पर थी, पी पर, और सेकंड प्लेट कहां पर थी, बी पर। देखो, यानी इसी सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करके ऐसे बना सकते हैं। तो अब तो हमको दिख रहा है कि भाई तीन कंडेंसर हैं और तीनों किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आंसर क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 3C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 3C। ठीक है, सिंपल। चलो अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज है जो हमको ध्यान रखना है, जो हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहां देखो, देखो बस क्वेश्चन में ना इतना ही दिया रहता है, बस हो गया। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बस कुछ नहीं लिखा है, सी भी नहीं लिखा हुआ है, यहां कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है तो आप सी लिख सकते हो, है ना, या सी जीरो लिख सकते हैं। सी जीरो का मतलब क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर एप्साइलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। चलो तो सी लिखा हो सकता है, सी लिखा हो सकता है, या कुछ नहीं लिखा है तो आप समझ जाना सी। कुछ नहीं भी लिखा है इसका मतलब क्या, सी। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब बैटरी आपको कहां कनेक्ट करना है, ए और बी के बीच में। सोच लो एक मिनट क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बताओ कितना, सी सी सी, कुछ नहीं भी लिखा है ना तो आप समझ जाना सी। ऑप्शन सी के टर्म में दिया रहेगा, या ऑप्शन सी जीरो के टर्म में रहे, जो भी रहे। देखो सोच के बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ आ रहा है कुछ समझ में, चलो हम इसको मान लेते हैं कैपेसिटेंस कितना है, सी। चलो ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान सुनना, काम का पॉइंट है। अगर किसी कंडेंसर की दोनों प्लेट्स एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हैं तो दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। इसका मतलब वो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, ठीक। अगर किसी कंडेंसर की दोनों प्लेट्स एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, जीरो। उस कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो होगा, वो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, यानी उस कैपेसिटर को आप रिमूव कर सकते हो। तो यहां देखो ऐसा है क्या है, इसको देखो, इसकी फर्स्ट प्लेट कहां कनेक्ट है, ए से। सेकंड प्लेट भी कहां कनेक्ट है, ए से। तो दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा ना, इक्वल टू ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जीरो। ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में सॉल्व करते समय इसको आप यहां से रिमूव कर दो आप, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी अब तो बन गया आपसे।
अब देखो ए और बी के बीच में दो कंडेंसर है, दोनों इसमें कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? पैरेलल में है ना, कितना? 2C आंसर। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक, चलो ऐसे ही एक और, ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बताओ, सोच लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? 2C, सी बाई टू, 3C, जो भी हो क्या होगा? कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? कितना? 0। क्यों 0? ध्यान से सुनो, बैटरी हमने कहां जोड़े हैं? ए और बी के बीच में। तो अब एक्चुअल में आप देखो इस पार्ट में कोई कैपेसिटर नहीं है, इस पार्ट में कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि चार्ज यहां से पूरा फ्लो हो जाएगा, ये जो पाथ बना ना, तो चार्ज यहां से पूरा क्या हो जाएगा? फ्लो। इसको एक्चुअल में हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंडेंसर चार्ज नहीं होगा भाई, बैटरी के प्लस और माइनस आपस में कनेक्ट हो गए। देखो बैटरी के प्लस माइनस आपस में कनेक्ट हो गए, तो चार्ज यहां से फ्लो हो जाएगा, एक भी कंडेंसर यहां पर चार्ज नहीं होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? 0। ठीक है, कंडेंसर, कैपेसिटर और बैटरी, बात की चीजें जो मैं ही बता रहा हूं आपको, बैटरी, बैटरी का मतलब डीसी करंट। ठीक, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर सकती है लेकिन कंडेंसर डीसी करंट को पास नहीं करता, कंडेंसर डज नॉट पास डीसी करंट, या ऐसे भी लिखा रहता है कंडेंसर डज नॉट वर्क्स इन डीसी सर्किट। कंडेंसर से अगर बैटरी हमने लगाए तो बैटरी क्या करेगी? कंडेंसर को चार्ज करेगी बस, लेकिन कंडेंसर चार्ज फ्लो नहीं करता, डीसी चार्ज को फ्लो नहीं करता, करंट पास नहीं करता। कैपेसिटर वर्क करता है लेकिन कहां करता है? एसी सर्किट में। कहां वर्क करता है? एसी सर्किट में, डीसी में नहीं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, कंडेंसर है, बैटरी है, हाँ तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करेगी ना। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो बैटरी फिर चार्ज प्रोवाइड करना बंद कर देती है, तो कैपेसिटर चार्ज को फ्लो नहीं करता बस, चार्ज होता है डीसी में, चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है, देख लो।